वेल होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर्स इंडिया ने अपनी एंट्री 350 सीसी सेगमेंट में कर दी। बहुत ही कंपेटिटिव सेगमेंट है और ये बाइक जो लेकर आए हाइनेस 350, जी हाँ, ये बाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी इस पर बहुत बुलिश है। देखते हैं कैसी है ये बाइक चलाने में, इसकी परफॉर्मेंस। ऑफकोर्स होंडा का एक बड़ा ब्रांड नेम तो है ही, बट देखना होगा क्या इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि ये दूसरी बाइक्स हैं जो इस सेगमेंट में जो अच्छा करती हैं उनको मात दे पाएगी। प्राइसिंग भी बहुत अट्रैक्टिव है, 1.85 लाख से शुरुआत है फॉर द डीलक्स वर्जन, और अगर हम प्रो वर्जन की बात करेंगे तो 1.9 लाख तक जाता है। तो चलिए चलते हैं इसकी टेस्ट राइड। लुक्स की बात करें तो होंडा हाइनेस CB350 को क्लासिक डिजाइन दिया गया है, जिसमें कुछ सिंपल ग्राफिक्स, क्रोम फिनिश और बोल्ड बॉडी पैनल दिए गए हैं, जिसकी वजह से दिखने में ये बाइक काफी आकर्षक लगती है। इसके फ्रंट लुक की बात करें तो सामने की ओर इस बाइक में राउंड शेप हेडलैम्प LED यूनिट के साथ दिए गए हैं, जिसके दोनों किनारों पर रिंग टाइप विंकर मिलते हैं जो इस सेगमेंट में नए हैं। वही साइड से देखने पर भी ये बाइक अपना क्लासिक लुक मेंटेन रखती है। इस बाइक में 15 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है, जिसके दोनों तरफ होंडा की बैजिंग दिखाई देती है। इस बाइक में आपको बड़ी सिंगल सीट मिलती है जो कंफर्ट के मामले में काफी अच्छी है। टायर्स की बात करें तो इसके फ्रंट में 19 इंच और रियर में 18 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील मिलते हैं। वहीं पीछे की ओर से इस बाइक में क्रोम फेंडर, टर्न इंडिकेटर एंड LED टेल लाइट सेटअप मिलता है। होंडा हाइनेस CB350 को डीलक्स और डीलक्स प्रो वेरिएंट में पेश किया गया है। इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पार्ट एनालॉग और पार्ट डिजिटल में आता है, जिसमें रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर पोजीशन इंडिकेटर की जानकारी मिलती है। फीचर्स के तौर पर इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी गई है। साथ ही इस बाइक में स्लिपर असिस्ट क्लच के साथ डुअल चैनल ABS भी मिलता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये बाइक बहुत ही दमदार है। इस बाइक में कंपनी ने 348 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया है, जो 5500 RPM पर 20.8 BHP पावर और 3000 RPM पर 30 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है। ट्रांसमिशन के लिहाज से इस बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। ब्रेकिंग के लिए CB हाइनेस 350 के फ्रंट में 310 mm की डिस्क ब्रेक और रियर में 240 mm की डिस्क ब्रेक दी गई है। ओवरऑल राइडिंग डायनेमिक्स में ये बाइक काफी कंफर्टेबल है, साथ ही अपने बाकी कंपेटिटर के मुकाबले वजन में थोड़ी हल्की भी है, जिससे इसे चलाना और भी आसान हो जाता है। होंडा का कहना है कि इसका हाफ ड्यूप्लेक्स क्रेडल फ्रेम इंजन को नीचे रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कम होती है, जिससे इस बाइक की राइडिंग एंड हैंडलिंग हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑल राइट, अब बात करते हैं इसके कंपटीशन की। वेल, इस बाइक के बारे में तो हमने आपको पूरा डिटेल में बताया किस तरीके की इसकी फीचर्स है, कैसी परफॉर्मेंस है, क्या खास बात है। रेट्रो लुकिंग बाइक है जैसा आप जानते हैं, और अगर कंपटीशन की बात करें तो इसको अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो जिसको ये कम्पीट करेगी और जिससे कम्पीट करेगी वो है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350। इसके अलावा मीटियोर भी रॉयल इनफील्ड ने अभी हाल ही में लॉन्च की है, जो कि क्रूजर बाइक है, बट डेफिनेटली इसके साथ भी उसको कंपैरिजन किया जा सकता है। प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिमिलर है। अब हम बात करते हैं जावा, ऑफ कोर्स एक और कंटेंडर है जो इसी सेगमेंट में और इसी कैटेगरी में है। तो ये सब कुछ बाइक्स हैं जिनसे ये कम्पीट करेगी, बट मैं ये कह सकती हूँ कि होंडा का जो बेट है इस प्रीमियम कैटेगरी या मिड रेंज आई वुड से में आने का, वो बढ़िया है। प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिज़ाइन और बेहतर बना सकते थे, इसको थोड़ा रेट्रो लुक और फील देने की कोशिश की गई है, बट आई थिंक देयर कुड बी मोर एस्थेटिक्स टू द डिज़ाइन एलिमेंट जो ऐड हो सकते थे, जिससे और अपीलिंग लोगों को लगती। बट ऑल इन ऑल आई थिंक होंडा की ये एक डेफिनेट ज़रूरत थी इस सेगमेंट में एंटर करना, और विद हाइनेस 350 उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर एंटर करके इस सेगमेंट को और भी कंपेटिटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब लोगों के पास बेहतर चॉइस है टू लुक एट, एंड होंडा ऑफ कोर्स बिग नेम इन द टू व्हीलर स्पेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो एक ब्रांड वैल्यू भी इसके साथ मिलती है। प्राइसिंग भी बहुत अग्रेसिव और अट्रैक्टिव रखी है, तो 2 लाख के बजट में व्हाई नॉट गेट दिस नाइस 350 सीसी बाइक।